हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तब तक हम आपको बताते हैं कि हमने इससे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने एलाइड एंगल स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा बताया था, साथ ही 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा, इन दोनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बता दिए थे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस प्लस, 360 प्लस माइनस, इन सब एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आज हम बात करेंगे। देखो, ये हमने बना दिया है, ये चार्ट हम आपको पहले ही बनाकर दिखा चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप जानते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस टाइप का ये डायग्राम हमने पहले भी आपको बताया है। क्या था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने यहाँ लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पर। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, यदि हम देखें तो साइन थीटा प्लस में है और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। नेक्स्ट में देखिए, टेन थीटा पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा, ये दोनों भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमने ये इससे पहली वाली क्लास में भी बताया है, लास्ट क्लास में भी हमने ये टेबल आपको बनाकर दिखाई थी, इससे पहले भी हमने लास्ट चैप्टर जब पढ़ा था वहाँ भी आपको ये टेबल बनाकर दिखाई थी। तो जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाकर इससे पहले वाली क्लासेस देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि आपको इससे पहले हमने जो भी पढ़ाया है वो सब चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज हम। इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया है आपको इससे पहले वाले क्लासेस में, तो अब जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टेबल याद कैसे रहेगी। हमने यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा। अब देखो, ये हमारी इनिशियल लाइन है, इसको मान लेते हैं इनिशियल लाइन, मान नहीं लेते, होती ही है ये इनिशियल लाइन। एंगल हम बनाते हैं ना, एक लाइन हमने खींच दी और जिससे जो लाइन एंगल बनाती है ऐसे घुमाते जाते हैं, जो लाइन एंगल बनाती है उस लाइन को कहते हैं हम टर्मिनल लाइन, ठीक है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। अब देखिए, हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 ऐड करते हैं 180, फिर 90 ऐड करते हैं 270, फिर 90 ऐड करते हैं 360, ये वैल्यूज आ जाती हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा मीन्स यहाँ पर हैं हम 180 पर, जैसे ही हम माइनस करेंगे इधर पहुँचेंगे, प्लस करेंगे इधर पहुँचेंगे, क्लियर। माइनस करते हैं तो इधर पहुँच जाते हैं, प्लस करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, जब हम इस लाइन पर होते हैं 180 प्लस माइनस पर, इस पूरी लाइन पर, इधर चले जाइए या इधर चले जाइए, दोनों ही साइड जब हम इस लाइन पर होते हैं, तो चाहे आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, मीन्स चाहे एंगल घटे चाहे एंगल बढ़े, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम रहती है। सेम रहने का हमारा मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू, मीन्स साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं जैसे हम, तो ये साइन साइन में ही रहेगा। कॉस थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर अब हम चिन्ह लगा लेते हैं साइन, ठीक है, यहाँ साइन ही, हम ये वाला साइन नहीं बोल रहे हैं, साइन बोल रहे हैं प्लस या माइनस का साइन, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो, जब हम 180 माइनस थीटा करते हैं, जब 180 माइनस थीटा करते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव है और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव है, इट मीन्स एक तो हमें ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है और एक हमें ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, क्लियर। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। ये हुआ हमारा 180 माइनस थीटा।
अब हम बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा की। जब हम 180 प्लस थीटा पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिख देना है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। डिफरेंस क्या आएगा, देखो इधर तो सेम ही रहना है, अब फिर से क्या बात हो जाएगी, अब प्लस माइनस वाला डिफरेंस आएगा। इन सबको हम हटा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 180 प्लस की। जैसे ही हम 180 प्लस में पहुंचेंगे, ये 180 है, प्लस में करेंगे, थोड़ा भी ऐड करते हैं, आप देखो प्लस थीटा लिखा है हमने, यदि हम इक्विवेलेंट टू जीरो भी ऐड करते हैं तो भी हम नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो जैसे हमने 180 में थीटा ऐड किया तो यहाँ पहुंचेंगे, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो टेन थीटा और टेन का अपोजिट कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हमारी नेगेटिव होती है। क्लियर, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। हमने आपको बताया है यहाँ तो वैल्यू सेम आ रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, साइन की वैल्यू कॉस बन जाती है, कॉस की वैल्यू साइन बन जाती है, टैन की वैल्यू कोट बन जाती है, कोट की वैल्यू टैन बन जाती है, सेक की वैल्यू कॉसेक बन जाती है और कॉसेक की वैल्यू सेक बन जाती है। तो इसलिए आपको इधर से देखना, ठीक है, 180 प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम रहता है, तो आप इधर देख लीजिए या इधर देख लीजिए, एक ही बात है। लेकिन जब हम 90 प्लस माइनस करते हैं या 270 प्लस माइनस करते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाती है। क्लियर, तो आप देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर, जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री किया हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री की तो ये प्लस में और ये प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो हमने यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिखी है, ये प्लस में, ये प्लस में, टेन भी पॉजिटिव, कोड भी पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई 180 प्लस थीटा की। देखो ये टेबल यदि आपको अच्छे से आती है तो आपको ये फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन फॉर्मूले को याद रखने में, ठीक है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इस टेबल को याद रखिए, फॉर्मूले आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं 270 पर। देखो हमने 90 प्लस माइनस किया, इधर गए इधर गए, 180 प्लस माइनस किया इधर और इधर, अब हम चलते हैं 270 पर, 270 वाली लाइन है, प्लस करेंगे इधर पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे, माइनस करेंगे इधर पहुंचेंगे, ठीक है, जब प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। अब हम चलते हैं 270 माइनस थीटा पर, ठीक है, 270 माइनस थीटा, तो जैसे ही 270 माइनस थीटा होगा वैसे ही 270 प्लस थीटा होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा, साइन का डिफरेंस आएगा, मतलब चिन्ह का डिफरेंस आएगा। पहले चलते हैं 270 माइनस थीटा, ये हुआ 270 माइनस थीटा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। देखो साइन का बनता है कॉस, कॉस का बनता है साइन, टेन का बन जाता है कोट, कोट का बन जाता है टेन, सेक का बन जाता है कॉसेक और कॉसेक थीटा का बन जाता है सेक। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चिन्ह पर, मतलब पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, अब हम उस पर आते हैं। 270 देखो ये वैल्यू हमने माइनस लिखा है, जैसे ही हमने माइनस लिखा है तो ये कम मतलब घट जाएगा, एंगल 270 में से थीटा को आप माइनस करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे, 270 में आप प्लस करेंगे तो फोर्थ में पहुंचेंगे। जैसे ही हम थर्ड में पहुंचेंगे, थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है, इसका मतलब एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव है टेन 270 माइनस थीटा, और एक ये वैल्यू पॉजिटिव है कोट 270 माइनस थीटा, बाकी जितनी वैल्यूज बचती हैं वो सब नेगेटिव है। क्लियर, तो ये हो गया आपका माइनस 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 माइनस, ठीक है, इन चारों, इन दोनों को छोड़कर, या ऐसा कहें कि इन चारों को छोड़कर दो पॉजिटिव हो जाएंगे, या ऐसा कहें आप कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, अब इससे क्या प्रूव होता है, देखो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन वर्टिकल लाइन जो है,
90 और 270 वाली लाइन। जब भी हम इधर प्लस माइनस करते हैं तो चेंजेस होते हैं, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और जब भी हम इस लाइन पर चलते हैं 180 पर तो चेंजेस नहीं होते। 180 पर चलेंगे, अभी हम 360 भी करके दिखाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? तो ये बात हुई 270 माइनस थीटा की, समझ आ गया आपको? वो टेबल बस आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम चलते हैं 270 प्लस थीटा पर। 270 प्लस थीटा कर लेते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, अब देखो आना तो सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सेम ही रहेंगे। साइन का साइन, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बात आती है चिन्ह की, साइन कैसे हम चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे लगा देना है। देखो अभी फिलहाल हमने सारे साइन हटा दिए, जैसे ही हम बढ़ते हैं 270 प्लस में, ये 270 है आप देख पा रहे हैं, प्लस करेंगे इधर बढ़ जाएंगे, माइनस किया था इधर आ गए थे, ठीक है, माइनस किया इधर आ गए, प्लस करेंगे इधर हो जाएंगे। तो जब हम इधर पहुंचेंगे, इधर कौन कौन सा पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव है। ये हमने इसलिए लिखा था, लगाया था ये हमने निशान, क्योंकि हम जानते हैं कॉस और सेक अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो एक तो कॉस पॉजिटिव है और एक सेक पॉजिटिव है। तो यहां पर भी देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। क्लियर? कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां वाला कॉस और यहां वाला सेक देखकर आप निशान लगा दें पॉजिटिव का साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन तो खैर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, नेगेटिव साइन कोई लगाना होता है हमें, तो कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, ये 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 और ये, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव, बस ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर, समझ आ गया? ये है 270। अब हम बात करते हैं 360 की। 360 यहाँ होता है, माइनस करेंगे 360 से तो इधर पहुँच जाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो वापस घूम के आ जाएंगे। देखो पूरा एक राउंड जब हम ले लेते हैं, पूरा घूम लेते हैं तो 360 होता है। 360 में कुछ प्लस करेंगे तो वापस हम घूमकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास चार ही क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैक्सिमम एक राउंड हम ले सकते हैं 360 डिग्री, मतलब मैक्सिमम राउंड 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के बाद हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 90 प्लस माइनस, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। जब हम बात करेंगे 360 की, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, मतलब हमारा एक राउंड में काम ना चले, एक से ज़्यादा राउंड हमें लेने पड़े अपनी एंगल की वैल्यू को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एन इंटू 360 लिख देते हैं, ठीक है, केवल 360 ना लिख कर हम एन इंटू 360 लिख देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर? फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, आप उसे कंसिडर इसी टाइप से करेंगे, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। क्लियर? तो लिखते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 माइनस थीटा। पहले हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा के लिए, फिर लिखेंगे 360 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, एन हमने आपको बता ही दिया है, एन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम एक से ज़्यादा राउंड हमें लेने हो, एक से ज़्यादा बार हमें मतलब 360 ना हो के मान लिया हमारे पास 1000 में कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो एक एक राउंड में हम 1000 पूरा नहीं हो पाएगा, हम एक से ज़्यादा राउंड लेंगे, उसके लिए हम एन लगा देते हैं, एन नंबर ऑफ राउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो हमने यहां लिखा कॉस साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा, कॉस एन इंटू 360 माइनस थीटा, टेन एन इंटू 360 माइनस थीटा, कोट एन इंटू 360 माइनस थीटा, सेक एन इंटू 360 माइनस थीटा, कॉसेक एन इंटू 360 माइनस थीटा। ठीक है, एन यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिलहाल के लिए एन को मान लीजिए, एन नहीं है क्वेश्चन। 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। 360 यहाँ पर है,
यहाँ पर आया, जैसे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हम फोर्थ में पहुँच जाते हैं। फोर्थ का मतलब है कि एक तो कॉस पॉजिटिव है और एक सेक पॉजिटिव है, इट मीन्स एक तो हमें ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है और एक ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी सभी वैल्यूज़ को नेगेटिव रखना है। जब भी 360 प्लस या माइनस की बात होती है तो सेम ही रहता है, साइन थीटा ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉस एक थीटा, ठीक है। मींस ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्लस थीटा की। ये तो हुआ 360 माइनस थीटा, अब 360 प्लस थीटा कर लेते हैं। 360 प्लस थीटा यहाँ किया, तो जैसे ही हम 360 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ भी प्लस, 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 माइनस का साइन हटा देते हैं सब जगह से। 360 प्लस थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम ही रहना है, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा और कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। अब 360 प्लस की बात करते हैं, यहाँ हैं हम, प्लस करते हैं तो इधर बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स ये पूरी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी, एज इट इज़ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब जब हम इस लाइन पर होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर 180 प्लस माइनस करें या 360 प्लस माइनस करें, इसमें वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं। और जब हम वर्टिकल लाइन पर होते हैं, मीन्स 90 प्लस माइनस करते हैं या 270 प्लस माइनस करते हैं, तो चेंजेस होते हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। क्लियर, ये तो बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सभी एंगल्स के जितने भी अलाइड एंगल्स थे उन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब देखो, अब हम इनका यूज करते क्यों हैं, ये भी बात आती है कि आखिर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। देखो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे कि एक टेबल होती है, टेबल में कुछ एंगल्स की वैल्यू दी गई होती है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। जैसे 30 डिग्री के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। इसके अलावा भी और एंगल्स हैं इन्हीं के, मतलब यदि हम 30 ऐड कर दें 90 में, 51 मतलब 60 ऐड कर दें, 45 ऐड कर दें, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। तो टेबल एक बना देते हैं हम उसके लिए। अब यदि ऐसा हो जाए उनसे अलग वैल्यूज़ आ जाएँ जो टेबल में नहीं है, मीन्स टेबल हमारी मैक्सिमम जो दी हुई होती है 90 डिग्री तक दी हुई होती है, 90 डिग्री के बाद हम उस टेबल को खुद बना लेते हैं, मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक उससे 90 से बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम इनके यूज से निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इनके, इनका हम यूज करते हैं और बाकी रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया 135 दिया हुआ है, तो आप 90 में 45 ऐड करेंगे तो आपको 135 मिल जाएगा। मान लिया 150 दिया जाता है, 150 90 में 60 ऐड कर दें या 180 में से 30 माइनस कर दें तो वहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम आपको टेबल बनाकर दिखाते हैं टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, टेबल के साथ साथ हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे आखिर टेबल बनती कैसे है, ठीक है। टेबल तो खैर आपको मिल जाती है बुक में, बट फिर भी वो टेबल बनाते कैसे हैं हम आपको वो बनाना सिखाएंगे। टेबल की वैल्यूज़ आपको याद रख लेनी है, क्योंकि एटलीस्ट उतना याद हमें होना चाहिए, जीरो से लेकर 90 डिग्री जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इन सब की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम बाकी वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकें, मतलब आसानी से बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। चलिए अब टेबल बनाकर दिखाते हैं कौन कौन से एंगल के लिए दिया हुआ होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इन सब एंगल्स के लिए हमें टेबल दी हुई होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इसको कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन सब एंगल्स को लिख लेते हैं। एंगल हैं कौन कौन से, एंगल हमने अभी आपको बता ही दिया है, 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि हम इधर साइन कॉस लिख सकें। देखो इसके बाद हमें क्या करना है,
एक साइड लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, 0 डिग्री है ये। फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड 90, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो एंगल्स हैं उनकी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। हम कैसे बनाते हैं, पहले हमने क्या किया 1 2 3 4 लिख लिया, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 4, फोर से हर एक टर्म को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। यदि हम 4 बाई 4 की बात करें तो 1 हो जाता है, इसकी बात करें तो कैंसिल होने के बाद 1 बाई 2, 0 अपॉन 4 की बात करें तो 0, इसका मतलब ये वैल्यू है 0, ये 1 बाई 4, ये 1 बाई 2, 3 बाई 4 और ये 1। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है सभी का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ये है प्रत्येक पद को 4 से भाग देने पर, ठीक है। हमने लिखा है डिवाइड ईच टर्म बाय 4, प्रत्येक पद को 4 से भाग देने पर, पद को 4 से भाग देने पर। नेक्स्ट लिखा है हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर सभी का, ये टेबल बन जाती है, अदरवाइज आप याद रखिए टेबल को, वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर। वर्गमूल ऐसे लिखते हैं, 0 1 बाई 4, 1 बाई 2, √3/4 और ये हो जाएगा √1, ठीक है। क्या वैल्यू आई, √0 है तो √0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं √0 को, इट मीन्स ये वैल्यू हो गई 0। 1 बाई √1/4, 1 रूट से बाहर आएगा 1 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा, 4 को आप रूट से बाहर लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2, √1/2 है, 1 को रूट से बाहर लिखेंगे 1 हो जाता है, 2 को रूट से बाहर लिखेंगे फिर रूट से बाहर नहीं आएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, √3/4 है, √3/4 मतलब 3 अपॉन √3/2, ये 4 है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको रूट से बाहर लिख लेंगे, √1 means 1, ठीक है। ये जो वैल्यू नीचे बन के आती है ये होती है साइन थीटा की, यदि थीटा ये सब वैल्यूज है, ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू बन के आती है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, उसके बाद इन सबको रब करके ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे, बाकी आपको जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बची हैं उनकी वैल्यू लिख कर दिखाएंगे, क्लियर। करना क्या है आपको, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपको लिख लेना है। इसके बाद 0 से स्टार्ट करना है, पहले 0 फिर 1 2 3 4, ये लिख देना है। अब आपको क्या करना है, हर एक टर्म को डिवाइड करना है 4 से, तो हमने यहाँ लिख दिया है डिवाइड ईच टर्म बाय 4, या प्रत्येक पद को 4 से भाग देने पर, हमने सबको 4 से भाग दिया, तो 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, ठीक है। 0/4 हो जाता है 0, ये एज इट इज रहेगा, 2/4 है 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, 1/2 हुआ, ये 3/4 एज इट इज, 4/4, 4/4 मीन्स 1, ये वैल्यू हो गई 0, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको लिख दिया, इसे लिख दिया और इसको लिख दिया। अब हमें स्क्वायर रूट ले लेना है सभी का, वर्गमूल ले लेना है सभी के ऊपर, स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है। वर्गमूल का साइन हमने लगाया यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। √0 0 हो जाता है, √1/4 1/2 1 का स्क्वायर रूट मतलब 1 का वर्गमूल आप लेंगे 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल लेंगे 2 हो जाएगा, ये 1, 2 का वर्गमूल √2,
यहाँ पर देखो 3 और इसका वर्गमूल 2, नेक्स्ट वाले में रूट वन का वर्गमूल 1 हो जाता है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू नीचे बन के आई है ये सबसे ऊपर लिख लेनी है, ये है हमारी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू है ये जो नीचे बनकर आई है, इसके बाद हम लिखते हैं कॉस, इसके बाद लिखते हैं टैन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ये वैल्यू, सबसे पहले हमने लिख दिया साइन थीटा, यहां लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हो गई हमारी 0, सबसे पहले लिखा हुआ है 0, देन 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, साइन थीटा की बात आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो कॉस थीटा की वैल्यू यदि आपको लिखनी है तो आपको क्या कर देना है, ये जो वैल्यूज हमने लिख दी हैं इनको उधर से स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट वाले पॉइंट से 90 डिग्री से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। इधर से शुरू कर दिया, पहले ये, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ वाला। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, कोस के बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाता है आप जानते हैं सभी, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इधर लिख देते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0/1 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं 0/1, इट मीन्स 0। यहाँ पर देखो आपने 1/2 को 2√3/2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3, ठीक है। यहाँ पर देखो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1/√2/1/√2, ये वैल्यू कैंसिल हुई 1। यहाँ पर देखो √3/2/1/2, इससे ये कैंसिल हुई, √3/1 मतलब √3, तो ये हमने लिख दिया √3। 1/0, जब भी किसी फाइनाइट नंबर के अपॉन में मींस डिवाइड में 0 लिखा जाता है, फाइनाइट नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अनंत कहते हैं इसको हिंदी में, या अपरिभाषित भी कहा जा सकता है, अपरिभाषित भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको कुछ बुक्स में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्या वैल्यू आई, 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे लिखा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, ये ऊपर ये नीचे, क्लियर। तो अब हमने डिवाइड कर दिया है इसको, हम सही से लिख देते हैं, तो वैल्यू आई 0, 1/√3, आपको समझ तो आ ही गया है हमने डिवाइड कैसे किया है। तो ये हुआ 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब 10 के बाद हम बात करते हैं कोट की, कोट थीटा। यदि आप कोट थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, या तो इसको पलट दीजिए, पलट देने का मतलब है यदि आप 0 को पलटना चाहते हैं, 0 के नीचे 1 लिखिए और 1/0 कर दीजिए, ठीक है। इसको 1/0 कर दीजिए, इसको आप ये लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। यदि आपके पास इनफाइनाइट लिखा है मीन्स 1/0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0। तो ये वैल्यू हो गई, इसको पलटेंगे इनफाइनाइट, इसको पलट देंगे √3, ये 1 ही रहेगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो 1/√3, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का 0। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इधर से स्टार्ट कर दिया, ये इनफाइनाइट यहाँ, फिर इसके बाद ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू और फिर ये वैल्यू, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं sec की, और फिर आ जाती है बात cosec की, पहले sec थीटा फिर cosec थीटा। sec थीटा क्या है, sec थीटा cosec थीटा,
सेक थीटा आप जानते हैं कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। कॉस कौन सा है, ये इसका अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसका अपोजिट है मतलब इसको हमें पलट देना है, वन का उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब वन अपॉन वन, तो ये वन ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे तो टू ऊपर आ जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो रूट टू ऊपर आ जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो टू ऊपर आ जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। यदि नीचे वन लिखा हुआ है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो जीरो है, जीरो अपॉन वन करते हैं और इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। जीरो है तो जीरो अपॉन वन हुआ, इसका आप उल्टा करोगे तो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा हो जाता है, क्लियर। अब क्या करना है, कॉस एक होता है इसका अपोजिट, ठीक है। तो या तो आप इसका उल्टा कर दीजिए या फिर इसे इधर से स्टार्ट कर दीजिए। इनफाइनाइट टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री और वन। अब देखिए इसका अपोजिट करेंगे आप, जीरो अपॉन वन है, वन अपॉन जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट, इसको उल्टा करेंगे तो टू पर आ जाए, इसको उल्टा करेंगे तो रूट टू आ जाए, इसको उल्टा करेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री, इसको उल्टा करेंगे वन अपॉन वन मीन्स वन। तो यही आपकी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ये। इसमें ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं इनको आपको याद रखना है, क्लियर। ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो टेबल में होती हैं, मतलब जो आपको याद होनी चाहिए, इनका हम अभी यूज करेंगे जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं कि इसको हम देखते कैसे हैं, ठीक है, हम इसको कैसे देखते हैं, वैल्यूज हमें कैसे देखनी है। देखो मान लिया आपसे पूछा जाता है कि आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। साइन ये है, साइन के सामने चलना है, 45 डिग्री के नीचे देखना है। साइन 45 वन अपॉन रूट टू, इधर लिख देते हैं चलिए हम। मान लिया आपसे कहा जाए साइन 45, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू। आपसे कहा जाए sec 60, sec थीटा कहाँ है, sec थीटा यहाँ है, 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है। sec वाले लाइन में जाते हैं, 60 डिग्री के नीचे आ जाते हैं तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2। मान लिया आपसे कहा जाता है tan 90 डिग्री, tan ये है, tan के सामने चलेंगे 90 डिग्री के नीचे आ जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये tan 90 की वैल्यू, ठीक है। आपसे कहा जाता है cos 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, cos 30 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया cos 30 डिग्री। कैसे पता चलेगा, कॉस के सामने पहुंचना है और 30 डिग्री के नीचे देखना है, तो रूट थ्री अपॉन, ठीक है, रूट थ्री वन अपॉन रूट टू। साइन 45 ये है, हमने वो गलती से वन अपॉन रूट थ्री लिख दिया था, वन अपॉन रूट टू। इसके बाद हम पहुंचते हैं, अगर कहा जाए कि कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू बतानी है या कॉसेक 30 डिग्री या कॉसेक 90, कोई भी वैल्यू बतानी है, कॉसेक 90 ले लेते हैं, चलिए कॉसेक ये है। 0 डिग्री कहा जाए तो इनफाइनाइट, 30 कहा जाए तो 2, कॉसेक 90 कहा जाता है तो 1, ठीक है। क्या रह जाता है इसमें, रह जाता है हमारा कोट, कोट 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री क्या है, 0, कोट 0 डिग्री, 0 के नीचे और कोट के सामने, इनफाइनाइट, ठीक है। आपसे कहा जाए कोट 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोट यहाँ है, कोट के सामने चलेंगे, 60 डिग्री के नीचे देख लेंगे, 60 डिग्री के नीचे क्या आ जाती है वैल्यू, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं, टेबल हम देखते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई है। अब देखिए आज आपको क्या क्या करना है, आज आपको ये टेबल याद करनी है। वैसे तो हमने आपको बनाना बता दिया है, बनाना टेबल को बनाते कैसे हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो आप टेबल की सारी वैल्यूज़ जो जो हमने लिखी है ये सारी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उसमें इन सब वैल्यूज़ की आवश्यकता हमें पड़ेगी। साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने बताए हैं, 90 माइनस प्लस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, ये सब 180 प्लस माइनस, ये सब रेशियोज़ भी आपको याद करके आना है, ताकि जब हम कल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके अलावा देखो ये सब तो आपको याद करना ही है,
साथ ही आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जितने भी स्टूडेंट हमें पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी इन सब क्लासेस का लाभ ले सकें। चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ, जितने हमने आज फॉर्मूले बताए हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।